नाज़िफ चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए जड़ी बूटियाँ तोड़कर लाई हूँ, इन्हें जरूर खा लीजिएगा, आपकी खांसी के लिए मुफीद है, ठीक है ना? शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे नसीब अच्छे करे प्यारी बेटी। हम सबके अच्छे करे, हम सबके। चले मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। हैदर भाईजान। ओ नाज़ली बेटा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। हैदर भाई, मैंने आपसे जड़ी बूटियों का कहा था ना? बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थका दिया मुझे, तुम्हें पता है मैं जिंदगी में इतना नहीं भागा, बस बहुत हो गया और नहीं भाग सकता। ब्रदर्स, अंकल्स, इस्तांबुल किस तरफ है? फिल्म का डायलॉग है, वही कॉपी किया बस। नाज़ली बेटा, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं हैदर भाई, ये तो फातिमा अम्मा का भतीजा है, इस्तांबुल से आया हुआ है, बहुत जल्द वापस चला जाएगा इंशाल्लाह। जरूर, लेकिन मेरा दिल टूट जाएगा, बल्कि टूट चुका है। खुशामदीद बेटा, आओ चाय पियो। ये लड़का तुम्हारा शौहर है? अरे नहीं नानी, ये तो फातिमा अम्मा का भतीजा है औजान। तुम्हारे बच्चे हैं क्या लड़के? नहीं, मैंने कहा ना ये मेरा शौहर नहीं है। क्या वजह है, तुम में खराबी है या इस लड़के में? अब कोई बात नहीं बेटा, वक्त आने पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, मोहब्बत खत्म थोड़ी होती है। हाँ चाचा, कैसे हैं आप? नाज़ली, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने ये क्यों उठाई हुई है? नहीं रजत, नहीं, मैं उठा लूंगी। तुम छोड़ो, मैं मदद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। बात सुनो, ये बहुत भारी है ना नाज़ली? जरूरत नहीं। अच्छा, मदद करनी है तो ये उठाओ। तुमसे किसी ने बात की? हाँ। खामोश, चुप चुप, खामोश, चुप। शुक्र है, बोल दिया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? किसको खामोश रहने को कह रहे हो? प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तुम्हारी बोरी में घुस के बैठ जाएगा। तुमसे मतलब? मुझे लगता है इसकी नजर है तुम पर। तो अंधा हो जाए? हाँ हो जाए। देखो, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक हैंडसम शख्स है तो वो तुम्हें क्यों देख रहा है? तुम भी अंधे हो जाओ। तौबा तौबा। तुमने ये बोरी हमारे बीच में क्यों रख दी है? तुम्हें क्या, ये पीछे अकेली बोर हो जाती क्या? रुको रुको, क्या हो? एक मिनट रुको। अरे रोको ना गाड़ी। क्या हो गया? अरे यहीं पे रोको। ठीक है, एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली दफा इतनी खूबसूरती देख रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये लाल फूल मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका नाम जानती हो क्या तुम? शिकायत। ये तो किसी चिड़िया का नाम है ना? इसी वजह से इस फूल को भी शिकायत कहते हैं, क्योंकि इसको देख के लगता है कि जैसे चिड़िया की तरह इसके पैर हैं। और ये तो मुझे धनिया लग रहा है।
अरे धनिया कहाँ से आ गया, ये तो सह शाखा है। हाँ लेकिन इन सब के तो सिर्फ 3 पत्ते हैं। 4 पत्तों वाला तो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। पता है सब कहते हैं जिस शख्स को वो मिल जाए तो समझो खुशकिस्मती उसके हाथ में है। देखो तुम मेरे लिए खुशकिस्मती हो। तुम मुझे गांव की सीधी साधी लड़की समझते हो ना, लेकिन तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। आइंदा मुझसे ऐसी बातें नहीं करना। चलो मैं इसे जरूर संभाल के रखूंगा। जल्दी चलो देर हो रही है। ये क्या कर रहे हो तुम? गर्मी में जो एक इंसान को अच्छा लगता है वही कर रहा हूं। औजान साहब, औजान साहब, औजान साहब, औजान साहब, औजान साहब, कहाँ चले गए आप? औजान साहब, अरे स्विमिंग करो। मेरी हेल्प करो। ठीक है, घबराओ मत। अरे रुको रुको। बचाओ मुझे। मुझे भी साथ डुबोगी क्या? फिक्र मत करो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, सब ठीक है। घबराओ मत, मैं हूँ। हाँ पागल, रिलैक्स, सब ठीक है, फिक्र नहीं करो। पकड़ो मुझे। आगे कहीं के क्या हो गया? एक तो बचाया ऊपर से। पागल इंसान, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये क्या कर रही हो? नाजली, नाजली रुको, मेरे कपड़े। नाजली, अरे ऐसे मत करो प्लीज। नाजली, नाजली यार, दोनों खाने की तैयारी करो। परेशान होना तो सिर्फ मेरा काम है ना। क्या हुआ, उजान की कुछ खबर मिली? कसम से माँ जी, हर जगह देख लिया, सब जगह देख लिया हमने हर जगह देख लिया। हो सकता है कहीं डूब गया हो। हो सकता है।
हिकमत भाई, क्या वाकई वो आपको नहीं मिला? कहाँ चले गए हो तुम ओजान? कहाँ है, कहाँ खो गया ये बच्चा? चलो जाओ दोनों। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? लड़कियों, एक आदमी से पूछा गया कि तुम गांव क्यों जा रहे हो? उसने कहा शहर में रहने के बजाय मैं गांव में जाके पहले नंबर का आदमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं भी आया। तुम हो बहुत अच्छे। तुम भी अच्छे। वाकई में। खुदा हाफिज। तुम्हारी वजह से यहाँ सब इतने परेशान हैं और तुम यहाँ लड़कियों के साथ हंसते खेलते आ रहे हो। वाह, मेरी फिक्र हो रही थी। मैं क्यों तुम्हारी फिक्र करूंगी? फातिमा मामा परेशान थी। थोड़ी सी जलन की बू भी आ रही है। मैं किससे चलूंगी? तुम मेरे हो कौन जो मैं तुम्हारी वजह से चलूं? पता नहीं, मैं कोई हूं क्या? पागल तो नहीं हो गए तुम? हुलिया तो देखो जरा अपना। क्या हुआ है मेरे हुलियों को? तुम ही तो लेक्चर दे रही थी नेचर को देखो और समझो। ये लो मेरा नेचुरल लुक। देखो आइंदा तुम मेरे पीछे कभी मत आना, समझ गए? दूर रहा करो मुझसे। जैसे मुझे तुम्हारे पीछे आने का शौक है। जाओ जाके अपनी जड़ी बूटियां जमा करो और जाकर अपने बकरों से बातें करो, चिड़ियों से खेलो, फूलों की कहानियां सुनाती फिरो और शहद की मक्खियों से बिजनेस करो। कैसे हैं आप लोग? तुम्हारे ख्याल में तुम यहाँ क्या कर रही हो आंटी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, कान तो छोड़े। मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। पूरे गांव में मुझे जलील करके रख दिया है सर जी ने। दर्द हो रहा है गांव तक। तुम क्या कर रही हो आंटी? मारे तो नहीं मुझे? चलो अंदर। ओए नाजली, किसी को जलन हो रही है? पाजी आप भी ना, मेरा सारा गुस्सा आप पे निकलेगा। हाँ गुस्सा तो निकाल आई हो तुम। गुस्सा भी प्यार की एक अदा है लड़की। तुम चाहो तो दिखा देती हूँ मुझे कितना प्यार है तुमसे। ये लो। या अल्लाह, ये मैं क्या कर रही हूँ? बेवकूफ, क्या कर रहा है ये पागल? शहर याद आ रहा है इसको बेचारा। यार ये सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? ना कमरे में आते हैं ना बाहर आते हैं। आए, शुक्र है कुछ तो आए। तुम्हारे लिए पत्तियां जमा करके लाई हूँ गुलब्याज, रात को इसे इस्तेमाल कर लेना, तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है? अच्छा बताओ, नए घर की आदत हो गई?
फातिमा अम्मा को उम्मीद है कि तुम ज्यादा दूध दोगी। तुम्हारी लाल आंखें देख के मुझे तकलीफ होती है। मैं तुम्हारे लिए मरहम बनाऊंगी, तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ये वाकई तुम्हारी बातें समझते हैं, जाहिर है तुम भी समझती होगी। क्या मैं भी सीख सकता हूँ, मुझे सिखाओगी? अगर तुम वाकई चाहते हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैं तो चाहता हूं। कुदरत में हर चीज की एक आवाज होती है, अगर मोहब्बत से उसके पास जाओगे तो समझोगे। इसका मतलब मोहब्बत से मेरे करीब आओगी तो मुझे भी समझोगी। असल में दिल से सुनना अहम बात है, जब कोई बात दिल से सुनते हैं तो बात समझ आ जाती है सामने वाले की। तो फिर मुझे भी दिल से सुनो, तुम सुनोगी तो ही पता चलेगा ना। सुनने के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। यकीन करो। वैसे तो किसी का भी दिल बुरा नहीं होता, लेकिन अगर दिल जोर से धड़क रहा है तो उसे खौफ है, और अगर वो जख्मी है तो वो तुम्हें बहुत मुश्किलों से कबूल करेगा। बस इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, बस मुझे एक मौका देकर देख लो। गर्मी, काफी गर्मी है यहाँ पे। तुम इस दुनिया की हर चीज की जबान समझती हो, लेकिन मेरी। लेकिन तुम तो मेरी दुनिया से हो ही नहीं। तो मुझे बना लो अपनी दुनिया का, जो चाहोगी मैं बन जाऊंगा। जड़ी बूटी, कोई कीड़ा भी बन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम समझो मुझे। मैं नहीं चाहती, ना चाह सकती हूँ। तुमने मुझे सिखाया, मैं दिल से सुनने लगा हूँ। तुम्हारे होंठ कह रहे हैं कि तुम नहीं चाहती, पर तुम चाहती हो। रुको, करीब मत आना। नाज़ली, हाय।
उजान, क्या हुआ? तुम क्यों हो ऐसे मेरे बेटे? तुम्हारे उस बेपरवाह बाप ने और तुम्हारी शहरी माँ ने तुम्हें किस बोतल में कैद कर रखा था? मसला क्या है तुम्हारा? बस करें आंटी, कोई मसला नहीं मेरा। ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता बेटा। वो जो तुम्हारा सर फिरा बाप है और बेअकल माँ है, उन्होंने तुम्हें मुझे अमानतन दिया है। मैं हर बात समझती हूँ। मैं तुम्हारी उस उल्टी माँ जैसी नहीं हूँ। जो भी मसला है मुझे बताओ, मैं हल करती हूँ। क्या हुआ, कोई इश्क वगैरह का चक्कर है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खामोश रहो तुम लोग, खामोश। बेटा, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं उसका हल ढूंढ निकालूंगी। हाँ, मुझे क्या मसला होगा? एक्चुअली यहाँ की आदत नहीं मुझे, और वैसे भी आई एम मिसिंग इस्तांबुल। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली औरान साहब, मतलब कानूनी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। तुम लोग जाओ। मतलब इस पूरे मामले का अंजाम मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा। देखिए, कंपनी के कर्जों की कोई फिक्र नहीं है। कहने का मतलब है, इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या, इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या हो सकता है? असल मसला उन गैंग्स का है जिनसे आपने कर्ज लिया हुआ है। वो मौका मिलते ही आपकी जान ले लेंगे। जाहिर है अगर वो आपको ढूंढ ले तो। अब एक ही रास्ता है, आप यहां से चले जाएं। सर, अब सोचने का वक्त नहीं बचा। हे बड़ी, क्या हाल है? ठीक हूँ भाई, हम तो वैसे ही हैं, क्या होना है? तुम बताओ, तुम्हें तो आदत हो गई होगी वहाँ की ऑर्गेनिक जिंदगी की। वैसे गाय को चराने जाते हो? उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हूरे ही हूरे हैं चारों तरफ। पागल बनने की जरूरत नहीं है, वो जगह यहाँ जैसी नहीं है। वहाँ तुम शिकार करने निकलोगे ना, तो सबसे पहले तुम खुद ही शिकार हो जाओगे। ओहो, तुमने अपने दोस्त को पहचाना ही नहीं। मैं शिकार होता नहीं हूँ, करता हूँ। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, गौर से सुनना। आंटी के घर एक लड़की रहती है, उसका मेकओवर कर दें तो होश उड़ा देगी। जानते हो उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखों से मार देती है वो, और रात को वो अपनी उन्हीं खूबसूरत आंखों से सितारों को देखती है। ऐसे देखती है कि सितारे जमीन पर आ जाते हैं। उसकी मुस्कुराहट ऐसी है जैसी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। जब हवा चलती है और उसके बाल उड़ते हैं तो मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है कि अभी बंद हो जाएगा। बहुत खूबसूरत है वो। ये तुम क्या बकबक कर रहे हो? मेरे भाई, तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं होगी? हाँ मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, जानते हो तुम। और फिक्र मत करो, मैं वापसी पे तुम्हारे लिए भी यहां से कुछ ले आऊंगा। वैसे भी मैं यहाँ काफी बोर हो चुका हूँ। गांव, गाय, बकरियां, बस यही सब कुछ है, तंग आ गया हूँ मैं। अच्छा बात सुनो, तुम्हें एक चीज भेजूंगा, तुम उसे हमारे ज्वेलर्स के पास लेकर जाना और एक नेकलेस बनवाना। अगर लड़की की मर्जी है, फातिमा से तो मैं भी बात कर लूंगी, कह दूंगी कि हम लड़की का हाथ मांगने आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर अच्छा दिन देखकर गर्मियों में शादी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर मैंने उसकी आंखों में और बातों में जरा सा भी एतराज देखा, इतना सा भी एतराज हुआ ना, तो मैं बता रही हूँ ये काम नहीं होगा।
जो लड़की मेरे बेटे को नहीं चाहेगी वो मेरी बहू नहीं हो सकती। नहीं नहीं, तुम देख लेना माँ, नाजली का दिल भी मुझ पर ही आया हुआ है, मैं ये शर्त तुम्हें जीत के दिखाऊंगा माँ, देख लेना। देखेंगे रजब साहब, देखेंगे। उजान, उजान उठ जाओ। क्या मुसीबत है यार। उजान आओ आओ। हाँ आ रहा हूँ मैं। सुबह बखैर, और बताओ नींद आ गई थी ना? हाँ आ गई थी। चलो अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए आया है। थैंक यू। और हाँ, माँ जी ने कहा था कि आज खेतों में जाना है और कहा था कि तैयार हो जाओ, ज्यादा सोने की जरूरत नहीं, आधे घंटे में मैं तुम्हें दोबारा उठाने आऊंगा। उठा देना। अरे चुप चुप, खामोश, आराम से, कोई बात नहीं है, मैं हूँ। हाँ रिलैक्स रिलैक्स, हाँ आराम से, मैं हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गुड, डरो मत, बात सुनो, मैं तुम्हें बस एक सरप्राइज देना चाहता था। ये देखो, स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम मेरे लिए खुशकिस्मत ही हो ना, और मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर इसे मेरी निशानी बनाकर गले में पहन कर रखो और मुझे भी अपने दिल में रखो हमेशा। निकलो यहां से, निकलो। करीब मत आना, मैं कसम से मार दूंगी। नहीं मार सकती। प्लीज मैं कहती हूं, मेरे करीब मत आना, मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। मेरे करीब मत आओ। Thank you.
तुम पर बहुत अच्छा लगेगा ये। नाज़ली, या अल्लाह, बेशर्मी की हद हो गई, गजब हो गया। सुनते हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है। बेशर्मी की हद हो गई, इज्जत गई मेरी, हाय हाय, सब यही हो रहा है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से क्या देख लिया अपने सामने, कसम से मैंने देखा है। बस मैं क्या बताऊं मैंने क्या देखा है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। हाय अल्लाह मेरी तौबा। देख रही हूँ इस नाज़ली को, ये कम नहीं है। जाहिर है खूबसूरत शहरी लड़का मिल गया तो क्यों ना करें। मैंने भी नाज़ली के बारे में ऐसा सुना है, मुझे नाज़ली से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने क्या समझा कि ये जगह भी तुम्हारे इस्तांबुल की तरह गुनाहों का मरकज है, और मेरी इस मासूम सी नाज़ली को तुमने शहर की लड़कियों की तरह आवारा समझ लिया। बताओ आंटी, गलत समझ रही हैं आप। यकीन करें हम सिर्फ बात कर रहे थे, मैं तो नाज़ली को बस एक तोहफा दे रहा था। बताओ ना नाज़ली, नाज़ली, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ठीक है बताता हूं मैं, मोहब्बत करता हूं मैं नाज़ली से। मारे मारे ना मुझे, रुक क्यों गई आप, खत्म करें। देखते हैं फिर, चलो मेरे साथ चलो। फातिमा अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे। बेटा तुम रो नहीं, चलो अब दोनों मेरे सामने यहां बैठ जाओ, साथ बैठो। देखो बेटा, ये लड़का कहता है कि इसे तुमसे मोहब्बत है, ये सच है? अगर ये मोहब्बत यकतरफा है ना, तो फिर दूसरा दिल सिर्फ जलता ही रहेगा। क्या तुम्हें भी है मोहब्बत? ठीक है फिर, जल्द ही इस मामले को इख्तिताम तक पहुंचा देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो फातिमा, कैसी शादी? मेरी बात सुनो ओरहान, ये मामलात शहर की तरह लंबे नहीं खींचे जाते यहाँ गाँव में, कोई फैसला तो करना होगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं है, सुन लिया, तुम्हारे बेटी की शादी तो होगी, इसने जिस तरह मेरा दिल तोड़ा है, जिस तरह मेरी बेइज्जती की है, इसी तरह वो इस मामले को साफ भी करेगा, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। ठीक है फातिमा, ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है, जो कुछ भी हुआ उसकी खबर आलिया को नहीं होनी चाहिए। सरकन मुझे मशवरा दो यार, क्या करूं मैं, अब तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं और शादी दो अलग चीजें हैं यार, इस लड़की के साथ अनफेयर हो जाएगा। हाय मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे ये जोड़ा। नूरजहां बेटा तुम बाहर जाना। ठीक है। नाज़ली बेटा देखो अपने बाबा से एक ये बार। नहीं हो सकता। अरे अभी मैंने बात ही कहाँ पूरी की है अपनी। मैं जानती हूँ आप मुझे क्या समझाने वाली है फातिमा, मैं जानती हूँ कि खुशी के वक्त नाराजगी अच्छी नहीं लगती। हाँ लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं, नाराज उनसे होते हैं जो जिंदा हूँ, मेरे बाबा मर चुके हैं। इस हुकूमत के दिए गए अख्तियारात के मुताबिक
मैं आपकी शादी का ऐलान करता हूँ। नहीं नहीं ठीक हूँ। नहीं नहीं ठीक नहीं हूँ। नहीं, वो अचानक से यूं जो शादी हो रही है ना, ना मॉम है, ना डैड है, ना ही मेरे दोस्त हैं यहाँ। काश वो सब लोग भी यहाँ इस वक्त मौजूद होते। हम वहाँ जाके भी शादी कर लेंगे। तुम्हारी मॉम, डैड और दोस्त सब आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे। बल्कि हमें काम करेंगे, सर्कल के क्लब में करेंगे। हाँ, वो कहाँ है? गुड मून। क्या मून? गुड मून। गुड मून। गुड मून। गुड मून। उजान, आओ खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। अरे क्या बात कर रहे हो, आओ, तुम्हारी शादी है आज, इसको भी ले जाओ। जल्दी आओ, जल्दी खड़े हो जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे करना पड़ेगा, आ जाओ आ जाओ, उठ जाओ, चलो डांस करो। हटो हटो, जगह बनाओ जगह। ये सब कैसे हो सकता है? हाँ, औरहान कैसे कर सकता है ऐसा? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन कल वो लोग कर्ज वापस लेने आ रहे हैं। कर्ज वापस लेने? लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मुझे क्यों बताने आ गए? ये काम है आखिर आपका, कुछ कीजिए फौरन। लेकिन आलिया मैडम, मैं क्या? उठिए फौरन, निकल जाइए, उठिए, कोई हल ढूंढिए। गेट लॉस्ट, हद हो गई। मुझे पता है ये जानकर तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, मगर मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे करना ही पड़ेगा, माफ कर देना मुझे। खुदा तुम्हें गारत करे औरहान, खुदा तुम्हें गारत करे औरहान। हाय, अब मैं क्या करूं, किस किस के सामने शर्मिंदा होंगी। क्या कर रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ हट जाओ, हट जाओ उधर। उजान, बच्चों निकलो, निकलो यहाँ से, हटो। ये लो अपना अपना फोन, लो पकड़ो अपना फोन, पकड़ो पकड़ो, चलो चलो, मुझे अंदर भागो, जाने दो, भागो। चला गया है वो, चला गया है, जान छोड़ दो उसकी। ओ पागल कहीं के, क्या था ये सब कुछ? मैं कितनी खुशनसीब हूँ, तुम्हें दूल्हा बनता हुआ देख लिया। ये लो बेटा, बेटे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? ये मुंह दिखाई है ना, ये लो पकड़ो। और अब जाओ दो रकत नमाज पढ़ना। देखो नाजली का अगर बाल भी बीका हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगे, ये बात याद रखना। चलो अब जाओ, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखेगा इंशाल्लाह।
फंस गया हूँ यार। अब मेरा क्या होगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ कि क्या करना है। उजान कुछ तो सोचना पड़ेगा। रिलैक्स हो जाओ, तुमने अपनी जिंदगी में क्या एडवेंचर नहीं किया? रिलैक्स, आई नो कोई तो हल होगा। सोचो, सोचो, कोई तो हल होगा, सोचो। मैं कर सकता हूं, लेकिन यार इस मासूम लड़की का क्या होगा? मेरा पेट, आखिरकार मेरी याद आ गई आपको मॉम। हेलो, कैसे हो ओजान? वहां तुम क्या कर रहे हो, ठीक तो हो ना? मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी वजह से कैदी बन गया हूँ यहाँ, बल्कि अब तो पूरी जिंदगी कैद में रहूंगा। वैसे कॉल करने की वजह क्या है? नहीं, एक जरूरी बात करनी थी मैंने। तुम किसी भी तरह फौरन यहाँ आ जाओ, कुछ बहुत बुरा हो गया है बच्चे। क्या हुआ है मॉम, आप ठीक तो है ना? बताएं मुझे प्लीज। तुम्हारे बाबा यहाँ से फरार हो गए। ये क्या कह रही हैं आप? सब कुछ बर्बाद हो गया है बेटा, मैं और तुम्हारी बहन अब अकेले रह गए हैं। तुम पहली फ्लाइट लो और फौरन यहाँ पर पहुँचो, और प्लीज किसी को कुछ मत बताना। हर किस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना तुम? से फरार हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया है बेटा। तुम पहली फ्लाइट लो और फौरन यहां पर पहुंचो। हर किस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ बर्बाद हो गया है बेटा। पहली फ्लाइट और फौरन यहाँ पर पहुंचो।